क्रिसमस जीवा येसु तो डोडा ठीक है अनिता डिस्ट्रिक्ट उनके साथ जो कोचिज और मैनेजर्स आए उनका बहुत बहुत खुशामदीद अपनी इस सरजमीन डोडा माशरा बहुत आगे तरक्की करता है। आपने पिछले दो कुछ देर पहले यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय टूर्स फैमिली स्टेट एट क्या करो खास करके लेट एक्चुअली पहुंचे वो लोग ज्यादा देर से पहुंचे पहले हम लोग उसी जगह रहते हैं शिवनगर में कौन से अलग टीम सर्विस करते हुए और यहां से आपको आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वॉलीबॉल तो ये आज जो टीमें हैं पूरे यूटी के अलग अलग जिलों के यहाँ पर टीम आई हुई है ये गर्ल्स टीम्स हैं और सारी टीमें अभी यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने जा रही हैं। टोटल 16 टीम्स हैं 16 टीमें हैं। इससे पहले हमने अंडर 19 किया ये अंडर 17 है और इसके बाद अंडर 14 जो होगा ऐसा कोई खास कारण नहीं है। ये तो अंडर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट को पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से भी टीमें दूसरे ज़िलों में गई हैं। ये पूरे सारे ज़िलों में इस किस्म के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और उस वजह से दूसरे ज़िले में काफ़ी टीमें। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना कहूँगा ये कहना चाहूँगा कि गेम्स जो हैं आज ये न सिर्फ के अपनी फिटनेस तो है ही उसके लिए लेकिन ये एक कैरियर भी है। आपने देखा होगा कि हर गेम में आज जो एक्सेप्ट करता है जो इसको एज ए कैरियर ले लेता है वो आगे बढ़ नाम कमाता है। उसे पूरे किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती है शोहरत भी पैसा भी हर कुछ इस गेम्स में है आज। इसलिए मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को गेम्स में आगे लाएँ गेम्स खिलाएँ और उनका अगर इसी में कैरियर बनता है।